भाई कह रहा ई फॉर यू एक्टिविटीज डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की बीमारी की वजह से हमारी स्कूलें बंद है और ये स्कूलें कब स्टार्ट होगी, कब ओपन होगी, इसके बारे में भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमारे महाराष्ट्र शासन ने जो है आपके सिलेबस का 25% हिस्सा रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम उस कम हुए हुए लेसन और पोएम्स और एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। क्लास 10 और 9 का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप क्लास 10 और क्लास 9 का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 ओनली, सिर्फ इस साल के लिए जो 25% हिस्सा आपका कम किया गया है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट आपका कम किया गया है वो है 1.4 मिस स्लिपरी पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पूरा प्रोज, और जो पेज नंबर 18 से लेकर पेज नंबर 22 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो कंटेंट रिड्यूस किया गया है वो कौन कौन सा है, या जो एक्टिविटीज रिड्यूस की गई है वो कौन कौन सी है। तो इंटायर प्रोज मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 का पूरा लेसन ये आपको कम कर दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप, जो इसमें लास्ट में जो इसका इंग्लिश वर्कशॉप दिया गया है वो भी कंप्लीटली आपको कम कर दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कंटेंट फॉर टीचिंग या प्रैक्टिस, इस लेसन के कौन से कंटेंट की आपको प्रैक्टिस करना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वार्मिंग अप एक्टिविटीज, तो इस लेसन की शुरुआत में जो वार्मिंग अप चिटचैट एक्टिविटीज दी गई है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, टीचर को अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाना है। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी, जो पेज नंबर 23-24 पर दी गई है, तो पेज नंबर 23-24 पर जो लैंग्वेज स्टडी दिया गया है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा जो लेसन है वो है 2.5 अ हीरोइन ऑफ द सी, जो पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 50 तक आपको दिया हुआ है। इस लेसन में आपको जो कंटेंट रिड्यूस किया गया है वो कौन कौन सा है, पहला तो एंटायर प्रोस पूरा का पूरा लेसन, दूसरा इंग्लिश वर्कशॉप। अब इंग्लिश वर्कशॉप और पूरा लेसन ये आपको कम कर दिया गया है, आपको लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं, वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं, इससे ताल्लुक से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब कंटेंट फॉर टीचिंग, आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, वार्मिंग अप एक्टिविटी जो लेसन के स्टार्ट में दी हुई है पहले लेसन की तरह, लैंग्वेज स्टडी जो आपको वर्कशॉप के नीचे दिया हुआ होता है वो आपको, और उसके अलावा पेज नंबर 52 और 53 पर जो वर्ड प्ले एक्टिविटी आपको दी गई है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पेज नंबर 51, 52, 53 पर दिया हुआ वर्कशॉप के नीचे दिया हुआ लैंग्वेज स्टडी और वर्ड प्ले इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, और जो है लेसन से पहले जो वार्मिंग अप एक्टिविटी दी गई है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो पोर्शन आपको कम किया गया है वो पोयम है 4.1 द वेट, जो पेज नंबर 77 से लेकर तो पेज नंबर 79 तक आपको दी हुई है। अब इस पोयम में से उसने क्या क्या कम किया है हम वो देखेंगे। रिड्यूस कंटेंट है इसमें, एंटायर पोयम पूरी की पूरी पोयम, आपको पोयम पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत नहीं। ऑल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑफ वर्कशॉप, इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस दिए हुए वर्कशॉप में, एंटायर वर्कशॉप वो आपको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब कंटेंट फॉर टीचिंग मतलब आपसे क्या पूछा जा सकता है, वार्मिंग अप एक्टिविटी पेज नंबर 77 पर जो स्टार्ट में आपको वार्मिंग अप एक्टिविटी दी गई है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, या टीचर्स को अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके क्लास 8 के 2 लेसन और 1 पोयम को कम किया गया है, बाकी जो बचा हुआ है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या आपके सिलेबस में शामिल रहेगा। तो ये था क्लास 8 का सिलेबस रिडक्शन फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 ओनली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम लेसन ऑफ पोएम की इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर
जो है इन चीजों को निशान लगा के रख लेना है कि कौन सा आपसे पूछा जाएगा और कौन सा नहीं पूछा जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।